जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर टू देखें। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन नंबर टू में हम गिवन नंबर्स को लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले इसके ए पार्ट में देखिए, इस पार्ट में थ्री नंबर्स गिवन हैं, 83,401, 97,035 और थर्ड नंबर क्या है 12,337। हम इन तीनों नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि इनको अरेंज में लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो हम पहले इस ब्लैंक में लिखेंगे, उससे छोटा इस ब्लैंक में आ जाएगा और सबसे छोटा इस थर्ड ब्लैंक में लिखेंगे। अब इन तीनों नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे तो पहले हम इन तीनों के थाउजेंड प्लेस वाले नंबर देखेंगे। थाउजेंड प्लेस में क्या आ रहा है, इसमें देखें थाउजेंड प्लेस में आ रहा है 83, इसमें थाउजेंड प्लेस में है 97, यानी कि इसमें 83 की वैल्यू है थाउजेंड, इसमें भी 97 की वैल्यू थाउजेंड है, इसमें थाउजेंड वैल्यू क्या है 12। तो इन तीनों में से फिर ये 97,000 वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, 97,035। ये पूरा नंबर हम पहले इस ब्लैंक में लिखेंगे। अब इससे छोटा हम नंबर इस ब्लैंक में लिखेंगे, सेकंड ब्लैंक में। इससे छोटा नंबर ये होगा 83,000 वाला, 83,401, ये यहाँ आ जाएगा 83,401। अब सबसे छोटा ये नंबर होगा 12,000 वाला, 12,337, ये यहाँ आ जाएगा 12,337। अब इसी तरह हम ये बी पार्ट करेंगे। इस पार्ट में भी हम इन तीनों नंबर्स को जब कंपेयर करेंगे तो इनके भी हम थाउजेंड वैल्यू वाले नंबर कंपेयर करेंगे। इसमें देखिए थाउजेंड प्लेस में क्या है 18, यानी कि इसमें 18,000 है, इसमें भी 18,000 और इसमें 13,000। ये तो सबसे छोटा नंबर होगा, ये दोनों थाउजेंड इनमें सेम है दोनों में। अगर थाउजेंड वैल्यू सेम हो तो फिर हम आगे वाले कंपेयर कर लेते हैं। 18,000 के आगे क्या है 17, इसमें 17 है, इसमें 221 है। तो सबसे बड़ा ये नंबर होगा सेंटर वाला, ये वाला नंबर हम पहले लिखेंगे इस ब्लैंक में 18,221। तो इससे छोटा फिर ये नंबर होगा 18,017, ये यहाँ आ जाएगा 18,017। तो सबसे छोटा क्या नंबर होगा 13,411, ये यहाँ आ जाएगा 13,411। अब इसी तरह हम सी पार्ट में भी इन तीनों नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इन तीनों को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इनमें भी थाउजेंड वैल्यू वाले नंबर पहले देखेंगे। ये देखें 42,000, ये 53,000, ये 48। तो इन तीनों में से ये 53,000 वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, 53,358। ये हम पहले इस ब्लैंक में लिखेंगे। अब इससे छोटा कौन सा नंबर होगा, ये होगा 48,000 वाला, क्योंकि ये 42,000 है, ये सबसे एंड पे आएगा, छोटा है। तो फिर ये वाला नंबर हम सेकंड ब्लैंक में लिख देंगे 48,176। अब इस लास्ट ब्लैंक में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, ये सबसे छोटा है 42,000 वाला, 42,734, ये यहाँ आ जाएगा 42,734।